बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, क्या हाल है गाइस? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और खुशहाल होंगे। मेरा नाम है कुणाल, मैं हूं शिवानी। वेलकम गाइस हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है रिएक्शन वाला कपल। गाइस आज की वीडियो है मेहरबान अली चैनल से और वीडियो का नाम है बीबी फातिमा जहरा अलैहि सलाम का रोज़ा। आगे क्या है ये? आगे है पंजतान पाक का वाक्या। कुछ नया है ये? मतलब ये रोज़े के ऊपर है और कोई वाक्य के ऊपर है और रोज़े के ऊपर है। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ तो बीबी फातिमा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं शायद, है ना? हाँ। हजरत फातिमा एक तरह। तो स्टार्ट करते हैं। साहिर सूरह फातिहा फॉर द ग्रैंडफादर ऑफ मेहरबान अली सैयद हुसैन शाह शमसी सबसवारी तब्रेजी। एक मरतबा इमाम हसन और इमाम हुसैन शदीद बीमार हो गए तो इमाम अली अलैहिस्सलाम और बीबी फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने मन्नत बांधी कि ऐ मेरे अल्लाह, जब हमारे दोनों शहजादे सेहतियाब होंगे तो हम 3 दिन तेरे लिए रोज़ा रखेंगे। अल्लाह के करम से जब दोनों शहजादे सेहतियाब हो गए तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बीबी फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से फरमाया, फातिमा, हमने जो हसन और हुसैन की सेहतियाबी के लिए रोज़े की नीयत की थी, मैं ये चाहता हूँ कि ये रोज़ा अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम के साथ इफ्तार करें। बीबी फातिमा ज़हरा ने फरमाया, या अली शेर खुदा, इससे बेहतर और क्या होगा? आज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम के साथ रोज़ा रखते हैं और इंशाअल्लाह इफ्तार भी साथ करेंगे। अल्लाह के रसूल को जब ये इल्म हुआ तो आप अपने मुबारक कदम लिए बीबी फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर आ गए। घर में उस वक्त सहरी के लिए सिवाय पानी के कुछ भी न था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह की बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत पानी है। आपने पानी पिया और रोजे की नियत कर दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम को देख के इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी ऐसे ही किया। बीबी फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने ऐसे ही किया और वो जो नन्ही शहजादे हसन और हुसैन जो बहुत ही कम सिन थे, उन्होंने अपने नाना, अपने बाबा, अपनी माँ को देखा तो दस्ती अदब को जोड़ के अर्ज करने लगे, ऐ नाना जान, ऐ बाबा जान, ऐ अम्मी जान, जब आप अल्लाह के इश्क में पानी के साथ रोजा रख सकते हैं तो क्या हमें इजाजत है कि हम भी अल्लाह के इश्क में रोजा रखें? उन पाक हस्तियों ने हसन और हुसैन का माथा चूमा और पंजतन पाक ने रोजा रख दिया। बस इमाम अली अलैहिस्सलाम मजदूरी के लिए घर से बाहर गए और मजदूरी करने के बाद आप बाजार से जौ लेके अपने घर वापस आए। बीबी फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने उनको पीस के 5 रोटियां बनाई। इफ्तारी का वक्त करीब आने लगा। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम घर में तशरीफ फरमा हुए। पंजतन पाक का दस्तरखान सजा। हसन और हुसैन, बीबी फातिमतुज़्ज़हरा, इमाम अली और अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम दस्तरखान पे बैठे और 5 रोटियां पंजतन पाक में तकसीम की। अब जैसे ही रोजे खोलने का वक्त करीब आने लगा, इतनी देर में दरवाजे पे कोई आया और कहने लगा, मैं गरीब हूँ, फकीर हूँ, अल्लाह के नाम पे मुझे कोई रोटी खिलाए। अल्लाह के महबूब ने जैसे ही सुना, आपने फरमाया, अली ये मेरे हिस्से की रोटी लो और इस सवाली को दो। इमाम अली ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, इस मुस्तहक को मैं भी अपने हिस्से की रोटी दूंगा। बीबी फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, बाबा जान, इस मुस्तहक को मैं भी अपने हिस्से की रोटी दूंगी। इमाम हसन और हुसैन ने फरमाया, नाना जान, इस मुस्तहक को हम भी अपने हिस्से की रोटी देंगे। बस इमाम अली 5 रोटियां जो पंजतन पाक के हिस्से की थी दरवाजे पे आए और उस फकीर को दे दी और सबने पानी से रोजा इफ्तार किया और अल्लाह का शुक्र किया। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, हम रोजा कल रखेंगे। फिर से सहरी का वक्त आया, सबने पानी से सहरी की और वैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम मजदूरी के लिए बाहर गए। शाम को इतनी जौ लाए जिससे 5 रोटियां बन सके। बीबी फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने वैसे ही 5 रोटियां बनाई और दस्तरखान बिछाया और अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए।
जैसे ही इफ्तार का वक्त करीब आया तो दरवाजे पे फिर से कोई आया और कहने लगा, मैं यतीम हूँ, है कोई अल्लाह का बंदा जो मुझे खाना खिलाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अली मेरे हिस्से की रोटी इस मुस्तहक को दे के आओ। इमाम अली ने फरमाया, या रसूल अल्लाह मैं भी अपने हिस्से की रोटी इसको दूंगा। जनाब सैयदा ने फरमाया, बाबा जान मैं भी अपने हिस्से की रोटी इसको दूंगी। हसन हुसैन ने फरमाया, नाना जान हम भी अपने हिस्से की रोटी इस मुस्तहक को देंगे। पंजतन पाक की पांचों रोटियां उस यतीम को जा मिली और पंजतन पाक ने पानी के साथ इफ्तार करके अल्लाह का शुक्र किया और ये तय पाया कि कल रोजा रखेंगे। तो वैसे ही पंजतन पाक ने पानी के साथ सहरी की और इमाम अली मजदूरी करने के लिए घर से बाहर गए। पूरा दिन मजदूरी करने के बाद इतनी जौल आए कि पांच रोटियां बन सके। बीबी फातिमा जहरा ने पांचों रोटियां बनाई और दस्तरखान पे सजाई। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जैसे ही घर में दाखिल हुए, पंजतन पाक दस्तरखान पे बैठे इफ्तार का वक्त करीब आने लगा तो दरवाजे पे आवाज आई, मैं अभी अभी कैद से रिहा हुआ हूँ और बहुत भूखा हूँ। मुझे ये मालूम हुआ कि मदीने में इस घर से ज्यादा सखी कोई नहीं, है कोई अल्लाह का बंदा जो इस भूखे कैदी को खाना खिलाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मुस्कुरा के फरमाने लगे, अली मेरे हिस्से की रोटी इस मुस्तहक को दे के आओ। इमाम अली ने फरमाया, या रसूल अल्लाह मैं भी अपने हिस्से की रोटी इस मुस्तहक को दूंगा। बीबी फातिमा जहरा ने फरमाया, बाबा जान मैं भी अपने हिस्से की रोटी इस मुस्तहक को दूंगी। हसन हुसैन फरमाने लगे, नाना जान हम भी अपने हिस्से की रोटी इस मुस्तहक को देंगे। बस जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम पंजतन पाक की पांचों रोटियां उस कैदी को दे के वापस आने लगे तो इतनी देर में जिब्रील अमीन नाजिल हुआ और फरमाने लगे कि अल्लाह ने आप पंजतन पाक की शान में सूरह तहर की सहायत को नाजिल कर दिया कि आप मिसाकीन यतीम और असीर को अल्लाह के इश्क में खुद भूखा रह के खाना खिलाते हैं और मिसाकीन यतीम और असीर को ये कहते हैं कि हम तुम्हें खाना अल्लाह के लिए देते हैं, इसका बदला ये शुक्रगुजारी नहीं मांगते। अल्लाह का सलाम हो आप पंजतन पाक पर और अल्लाह ने आप पंजतन पाक के इन तीन रोजों को आने वाली उम्मत के लिए सिराते मुस्तकीम का एक चिराग रखा। सलाम हो जिब्रील अमीन पर, सलाम हो हसन हुसैन पर, सलाम हो जनाब फातिमतुज़्ज़हरा पर, सलाम हो शेर खुदा अली इब्ने अबी तालिब पर, सलाम हो अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर। हाँ जी, तो बहुत ही मतलब एक तरह से कैसा क्या वो वाक्य जो हुआ है, दिल दहला देने वाला वाक्य है एक तरह से ना। मतलब इतना सेक्रीफाइस कोई बंदा कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। आपके पास खुद के पास खाने के लिए कुछ ना हो और आपके जब और पूरा दिन अगर आप भूखे हो, आपने सिर्फ सुबह सिर्फ आपने पानी पिया पानी पिया और पूरा दिन अली हजरत अली बाहर जाके मेहनत कर या उन्होंने पूरा दिन काम किया है, उसके बाद जो उनको अनाज मिला है वो अनाज घर पे लेके आए हैं, हजरत फातिमा ने उस अनाज से पांच रोटियां बनाई हैं और पांच फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी उनके घर पे आए हैं, दस्तरखान बिछ गया, पाँचों बैठे हैं, जैसे ही वो खाने लगे या जैसे ही इफ्तारी का वक्त आया तो बाहर एक बंदा आ गया और वो कहता कि हमें खाने के लिए चाहिए, हम भूखे हैं, अल्लाह के नाम पर हमें खाने के लिए दीजिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना कुछ समझे कहा कि हजरत अली आप ये मेरी रोटी लीजिए, मेरी रोटी और आप उसको दे दीजिए। तो सेम हजरत अली ने कहा कि मैं भी अपनी रोटी देना चाहता हूँ। फिर सेम हजरत फातिमा ने और उनके बच्चे हसन और हुसैन, उन दो भी छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने भी कहा कि हम देना चाहते हैं। और हालांकि इन्होंने जो ये रोज़े रखे इसलिए था कि हसन और हुसैन की तबीयत ख़राब हो गई, जब ये बच्चे थे तब इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फिर हज़रत अली ने मांगा था कि या अल्लाह अगर मेरे बच्चे सही हो जाते हैं तो मैं रोज़े रखूँगा, तीन दिन के रोज़े रखूँगा।
तो फिर बाद में फिर उन्होंने हज़रत फातिमा से बात करी कि क्यों ना हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी को, जो कि उनके ससुर उनके थे, साथ ससुर थे एक तरह से उनके, तो उनके साथ ये रोज़ा रखें। तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी को पता लग गया, तो उन्होंने भी उनके साथ रोज़ा रखा। और ये सब 3 बार हुआ उनके साथ, मतलब कि 3 बार मांगने वाले आए। एक बार एक कोई भिखारी आया, फिर एक आया, एक बार कोई कैदी आया कि मैं कैसे छूटा हूँ तो मुझे दे दीजिए। और सबने अल्लाह के नाम पर मांगा ना। और जब इन्होंने हज़रत अली ने दिया तो उनको ये बोला कि हम आपको अल्लाह के नाम पर दे रहे हैं, हम हमें आपकी दुआएं या आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना शुक्रा चाहिए, ना दुआएं चाहिए, ना इस चीज़ का बदला चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हम अल्लाह के नाम पर आपको दे रहे हैं। जैसे कि मुस्लिम ज़कात देते हुए करते हैं, मुस्लिम जो होते हैं ना 2.5% अपनी सैलरी का, या 2% या 3% अपनी सैलरी का जब वो देते हैं, दान देते हैं, तो उस टाइम वो ये नहीं बोलते कि हम आपको दे रहे हैं तो जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वापस करना, नहीं। वो कहते हैं कि भाई ये ले लो अल्लाह के नाम पे, हाँ ये हम आपको दे रहे हैं, ये आपका हुआ, अब हमारा इससे कुछ लेने देना नहीं, ना आप हमें मतलब कुछ लेना देना नहीं है, कुछ मतलब हाँ, दे दिया तो दे दिया, हाँ, तो वापस नहीं लेना ना, हाँ, उसकी बिल्कुल ये मत सोचना कि वापसी आपने करना है नहीं करना, ये मत सोचना बिल्कुल, हाँ, बस दे देते हैं। हाँ, तो जैसी तीसरी बार जब हज़रत अली जब उनको खाना देके जा रहे थे, तभी फिर हज़रत जबरील वो आए और वो उन्होंने कहा कि आपने भूखों को अल्लाह के नाम पर रोटी दी, खाना को दिया, खुद भूखे रह के, खुद भूखे रह के, बिल्कुल मतलब तीनों दिनों उन्होंने सिर्फ पानी पिया, पानी रोज़ा शुरू किया पानी पीने से और एंड भी किया पानी पीकर, और पूरा दिन 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, सोचो पानी पे 3 दिन तक, एक दिन पानी पे या दो, एक दिन रहना ही बहुत बड़ी बात है, फास्ट कर लो ना एक दिन, वो भी होता है 2 दिन तो बहुत ही बड़ा होता है कि बंदा बैक टू बैक 2 दिन फास्ट है वो भी। हालांकि आजकल ना रोके कहते हैं हमारे में क्या होता है, आजकल लोग ना जो फास्ट के नाम पर भी बहुत कुछ खाते हैं, अब जैसे फास्ट है और फास्ट के नाम पर इतने भर के फ्रूट होते हैं, भर भर के फ्रूट बंदा खाता है कि मेरा फास्ट है, मैं अन्न नहीं खाऊंगा बट मैं फ्रूट खाऊंगा, और फ्रूट में भी ना इतना कुछ ले लेते हैं कि भाई मतलब फास्ट का कोई मतलब ही नहीं रह जाता उसमें, बिल्कुल फास्ट का मतलब होता है कि भूखे रह करके, भूखे रहना, या फिर क्या बोलते हैं प्योर हिंदी में या प्योर उर्दू में, कि अपने आप को अल्लाह के एकदम से हवाले ही कर दो सीधा, कुछ खाए पिए बिना, तो वो एज अ फास्ट के नाम पर वो खा लेना, फ्रूट खा लेना, मतलब इधर तो ऐसा चलता है ना कि मतलब फास्ट रखा है और उसमें अन्न नहीं खाना है, नमक नहीं खाना, अन्न नहीं खाना, हाँ हाँ हाँ, तो इस तरह से, बट फिर भी खा लेते हैं। तो चलते हैं गाइस, मेहरबान अली से थी ये वीडियो और बहुत ही अच्छी लगी और सीखने को मिला लाइफ में कि अगर आप कुछ पाना चाहो या कुछ करना चाहो तो संकल्प आपका होना चाहिए, मतलब आपका फोकस होना चाहिए, 3 दिन भूखा रह के भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो चलते हैं गाइस, मेहरबान अली चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, इनके चैनल का लिंक और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, और साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।